सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोब लाइटरूम के प्रेसेट्स के बारे में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी लोगों का सवाल था कि एडोब लाइटरूम में जो प्रेसेट्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, किसी की कॉपी नहीं हो रहे हैं तो किसी के पेस्ट नहीं हो रहे हैं, किसी के पेस्ट हो रहे हैं तो किसी की कॉपी नहीं हो रहे हैं, या तो किसी की फाइल ही इसमें जो है इंपोर्ट नहीं हो रही है, आपका जो फोटो है वो इंपोर्ट नहीं हो। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो कहाँ कहीं भी स्किप किया तो आपका जो स्टेप मिस हो जाएगा और आपका जो प्रेसेट है आपके फ़ोटो पे अप्लाई नहीं होगा अच्छी तरह से, या फिर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी यूट्यूब में आपको वीडियोज़ देखे होंगे कि कॉपी करो, प्रेसेट इंपोर्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, हो जाएगा, लेकिन नहीं होता आप जब करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप कभी भी मत कीजिएगा। सो सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको दो फाइल डाउनलोड करनी है, एक जो अचीवर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, एंड देन एक जो आपको जिप फाइल मिलेगी उसको डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड मत कीजिएगा, अभी आप वीडियो देखिए एंड वीडियो के एंड में आप डाउनलोड करके फिर ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि आप क्या करते हो, ब्राउज़र में जाके एडोब लाइटरूम प्रेसेट से सर्च करते हो और वहाँ से आप कोई भी PNG फाइल जो है डाउनलोड कर लेते हो और PNG फाइल को इंपोर्ट करते हो एडोब लाइटरूम में। एडोब लाइटरूम में इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, सिंपली जैसे ये आपने इसको ऐड कर दिया, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, कॉपी सेटिंग ऑल किया, एंड देन अपने फ़ोटो पे जो इसे पेस्ट कर दिया तो नहीं हुआ, आपके भी साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, ये क्यों हो रहा है इसका भी रीज़न मैं बताने वाला हूँ। बिकॉज जो है एडोब लाइटरूम है वो जो है यहाँ पे DNG एंड रॉ फाइल ही एज अ प्रेसेट एक्सेप्ट करता है, ना कि PNG और JPG फाइल। आप जो इंपोर्ट करते हैं वो JPG एंड PNG फाइल होती है, ये जो ऐसा एक्सपेक्ट करता है वो है DNG एंड रॉ फाइल। तो आपको क्या करना है, जो जिप फाइल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जिप फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ZArchiver डाउनलोड करना है, उसको ZArchiver को ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो फाइल होगी वो डाउनलोड में दिखेगी, आपका जिस ब्राउज़र में डाउनलोड किया होगा, मेरा क्रोम ब्राउज़र में, तो डाउनलोड के ऑप्शन में मुझे दिखाई देगा ये, तो मेरी फाइल डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर आपको किस तरह से जुड़नी है, आपको लिखा होगा एडोब लाइटरूम करके यहाँ पर, तो यहाँ कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट एनीवेज हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे नो फाउंड दिख रहा है, तो हमारी जो फाइल थी वो हमें मिल चुकी है। हम देख सकते हैं मोबाइल लाइटरूम प्रेसेट बाय लर्निंग विद सर। तो यहाँ पे आपको देख लेना है मोबाइल लाइटरूम, ये है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्लियर, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड में आपको लिखना है, पासवर्ड ही लिखना है, P जो है कैपिटल लिखना है, बाकी सब जो है स्मॉल लेटर में लिखना है। तो देख सकते हो P को जो है आपको कैपिटल में लिखना है और बाकी जो स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है पासवर्ड, एंड देन ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के लिए तो ये जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, ये देख सकते हैं ये वाला फोल्डर हमें मिल चुका है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे सब जो है DNG फाइल है, तो किसी पे भी मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, मूडी ब्लू, इसको ओपन, व्यू इन फोटोस, तो सिंपली इसको मैं यहाँ से सेंड कर दूँगा कुछ फ़ोटोस, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके कुछ फ़ोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं लाइटरूम में इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये जो है ये देख सकते हैं इनपुट हो रहा है, आपको एक फोटो जो इनपुट हुआ है, यहाँ से आपको सभी फोटोज जो है अपने हिसाब से इनपुट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो हमारे इनपुट, तो
वहाँ पे हमारी फ़ोटो जो है इंपोर्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अभी जो हमने इसमें इंपोर्ट किया देख सकते हैं, ये वाला हमने इंपोर्ट किया। एंड देन यहाँ पे आपको एक दो सेकंड का वेट करना है, यहाँ पे फिर से कॉपी सेटिंग ऑल एंड ओके। सेटिंग कॉपी होने के बाद आप अपना जो भी फ़ोटो है आपका उस पर अप्लाई मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो यही वाला फ़ोटो था, यहाँ पे पेस्ट। तो देख सकते हो किस तरह से अप्लाई हो चुका है। किसी और फ़ोटो पे भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस फ़ोटो पे कोई और वाला प्रेसेट भी हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। तो ये वाला प्रेसेट को भी हम, तो एक दो सेकंड को इसलिए लोडिंग होने देना है। इसको बाद इसको भी हम कॉपी सेटिंग एंड देन इस वाले फ़ोटोज में हम इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पे काफ़ी अच्छा फ़ोटो लग रहा है। इस पे आप कुछ अगर एडिटिंग कर सकते हो आगे अपने हिसाब से, जो एक्सपोज़र है वो आगे पीछे कर सकते हो और फ़ोटो अपना जो है एडिट कर सकते हो लाइक पीसी की तरह। तो बस इस तरह से आप अपना जो फ़ोटो एडिट कर सकते हो। यही एक बहुत से लोगों का सवाल था कि हमारा भी ऐसा नहीं हो रहा, तो यही एक दिक्कत वाली बात थी जो अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और पैसेट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिप फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और जो है फाइल एक्सप्लोरर है ZRCR, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एंड जो भी मैंने स्टेप बताया उसी स्टेप के हिसाब से आपको इसको अप्लाई करना है, तभी ये वर्क करेगा, वरना फिर वर्क नहीं करेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।